सवाल सर। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं अहमदुल्लाह। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं आकर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चलकर चैनल को लाइव शेयर शुरू कर दें। चलते हैं अलग सा की वीडियो अभी रिकॉर्डेड है। ताइवान मिनिस्टर फोर्स टू से सॉरी। अच्छा जी, मतलब फोर्सफुली कहा गया तो उसने सॉरी बोला, ऐसा कैसे हो सकता। खैर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी भाई। कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, कई लोगों ने मुझे मेल किए कि भाई इस पर ज़रूर करिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, इस टॉपिक की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो इसका टाइटल है इंडियन स्किन कलर, ताइवान मिनिस्टर फोर्स टू से सॉरी टू इंडिया। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। ताइवान के एक मिनिस्टर ने कमेंट ऐसा कर दिया था कि जी हम जो भारत से काम करने वाले लोगों को बुलाएंगे उनमें ज़्यादातर क्रिश्चियंस होंगे, तो थोड़े चेहरे मोरे एक जैसे मिलने चाहिए। तो बाद में ये इस पर बड़ा बवाल हुआ। ये जाहिर सी बात है कि ये रेसिज्म की तरफ है कि नहीं, हम अपने जैसे देखने वाले लोगों के लिए, अपने जैसे रिलीजन वालों के लिए, और ये और वो दिस और दैट। तो उस पर बड़ा बवाल हुआ और आखिरकार ताइवान के मिनिस्टर को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। ताइवान की तरफ से माफ़ी आई, ताइवान के लोगों ने माफ़ी मांगी कि नहीं ये गलत हुआ। तो ये एक तरह से भारत की जो है सॉफ्ट पावर भी दिखाता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी आगे बोल देंगे, भारत के बारे में कुछ भी सुन लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये रेसिज्म है। आप इसमें अगर कलर देखेंगे, कास्ट देखेंगे, क्रीड देखेंगे, तो भाई ये तो गड़बड़ है। तो अभी सर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो इसमें बड़ा भरोसा करते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। असल बात ये है कि कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा। किसी को किसी के बारे में ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि वो सफ़ेद है या वो काला है। रंग मैटर नहीं करता, इंसान है जो उसके अखलाक होते हैं, जो इसका बिहेवियर होता है, जो उसका टोन होता है चलने का, वो आगे आता है, वो बिहेव करता है, उसको उसके बारे में पता चलता है कि भाई ये बंदा इतना अच्छा है, ये चीज़ें कर सकता है। कलर डजंट मैटर इन दिस। जी आगे फिर अगर उन्होंने ये गुस्ताखी की थी तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़नी थी, क्योंकि इंडिया भी अभी कोई छोटा शहर नहीं, इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस चला रहे हैं। उन्हें भी अच्छे से इल्म है कि इंडिया में भी क्या पावर है, इंडिया के साथ क्या क्या नहीं है। इंडिया के साथ हर चीज़ है, हर लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, हर तरह के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं, लेकिन कल्चर रिलीजन हर कल्चर रिलीजन वहाँ पे इन्वॉल्व है। और बाकी इतने ममालिक में इतने नहीं होते जहाँ पाकिस्तान एक है, इंडिया में कितने हैं, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस हैं, और भी कई सारे हैं, मुसलमानों के भी 72 फिरके उधर हैं। और मुसलमान पाकिस्तान ज्यादा तो इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि इनका। देखिए दुनिया इसके लिए बहुत प्रेज करती है भारत को। आप लोगों को ये बहुत हल्की बात लगती होगी कि भारत में इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इसमें यहूदी भी रहते हैं, ज़ोरास्ट्रियन भी रहते हैं, बहुत सारे धर्म हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा, वो भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हम सबका स्वागत करते हैं, हमने सबका स्वागत किया है, इस्लाम से लेकर क्रिश्चियनिटी से लेकर हर वो धर्म का स्वागत किया जो हमारे यहाँ आए। और ये मैं बात नहीं करता कि अपनी तारीफ, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ। मैं आपको एक शख्स की बात सुनाता हूँ, विदेशी है, उसका ट्रांसलेशन लगा दूंगा, आप इसकी बात सुनिए कि क्यों इंडिया ऐसा है, सुनिए। इफ यू सी टुडे इन इंडिया एंड यस्टरडे, एवरी पर्सेक्यूटेड रिलीजियस कम्युनिटी हैज फाउंड रिफ्यूज इन इंडिया, फ्रॉम द क्रिश्चियन सीरियंस टू द पारसीज टू द ज्यूज। यू नो द ज्यूज, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद द ज्यूज वर नेवर पर्सेक्यूटेड इज इंडिया। टुडे द टिबेटन्स, every religious community persecuted in the world has found refuge in India. Why? Because it's a land of tolerance, and this tolerance is due to one community which is called the Hindus. Now people see Hindus as a religion, but actually it's a spirituality. If you look at Hinduism, if you look at the deep truth of Hinduism, what props it from behind, it's universal spirituality that accepts everybody. So there's this great myth of intolerance about Hindus, and it's funny because it's been a one-way traffic. Hindus on the one hand have accepted that, you know, God may be Muhammad, he may be Christ, maybe Krishna, maybe Buddha. तो देखिए यही हमारी मजबूती है, जो majority of Hindus है ना यहाँ पे, जो majority में है, बड़े सहनशील लोग हैं, बड़े अच्छे विचारों वाले लोग हैं, उन्होंने सबको मौका दिया, सबका स्वागत किया, और इसीलिए हम सब साथ में रहते हैं, ये हमारे कल्चर में है।
ये हमारा धर्म हमें सिखाता है, समझे? तभी हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। और इसीलिए आपने बात सुनी ना कि अकेला पूरी दुनिया में अकेला देश भारत है जहां पर यहूदी परसिक्यूट नहीं किए गए। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है, और हम इंडियंस के लिए भी कितनी बड़ी बात है कि हम इकलौते देश हैं जहां पर यहूदियों के साथ भेदभाव नहीं किया गया, उनको मारा पीटा नहीं गया। और आज भी यहूदी परिवार हैं हमारे यहां, आज भी जो मतलब जो शायद 0.00001% भी हैं वो भी यहां पे खुश हैं। आप पारसियों को देखिए, अपना देश छोड़कर वो आए, कब आए, यहां पे आए, और आज हमारे समाज का बहुत अहम हिस्सा है। भले ही वो इतने से हैं लेकिन बहुत अहम हिस्सा है। टाटा ग्रुप पारसियों का ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप जिसको हर भारतीय जिसके ऊपर नाज करता है। उन्होंने हमारे देश को मजबूती दी है, हमारे देश को बनाया है। हमने उनका नमक खाया है भाई, हम तो नमक हरामी नहीं कर सकते भाई तो हमें ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है। आप देखिए, अरे बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इज्जत दी, हमने उनको अपना समझा, हमने सबको अपना समझा, हमने और अभी भी समझते हैं। इनका रंग सांवला है या हमारा रंग गोरा है, ये इन्होंने गलत किया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड अभी सबको देखा जाता है। एक बंदा नहीं है कि आप उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होगा तो उन्हीं के बीच में रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको कुछ कहूँ तो मुझे दुनिया देख रही है, मेरे सारे लोग देख रहे हैं कि भाई इस बंदे ने इससे ऐसी बात की थी बात। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है, हर बात पब्लिश हो जाती है, और बेइज्जती होती है, उस मुल्क की भी बेइज्जती होती है, तो ताइवान की भी बेइज्जती हो रही है। वो बेइज्जती हो रही थी ना उनकी, इसी वजह से वो लोग आगे आए, माफ़ी मांगी, क्योंकि इंडिया अगर वो लोग कुछ नहीं करते, इंडिया का तो कुछ नहीं जाता, इंडिया बायकॉट करता है, उनकी मार्केट वैसे गिर जानी थी, उन्हीं को नुकसान होना था, इंडिया को तो कुछ नहीं होना था। इंडिया में तो अभी भी टूरिज्म हो रहा है, कहीं कहीं कहाँ कहाँ से अंग्रेज खुद आके चल के आते हैं, उनको व्यूज मिल रहे हैं, कहाँ कितने व्लॉगर्स उनके आते हैं, बाकी कितने बिजनेसमैन वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या उनको मिल रहा है इंडिया से खाली, लेकिन फिर भी उनको ये उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़हीन लोग हैं। ये तो नहीं है कि आप सेंस रखते हैं, सेंस देखिए, उन्होंने ताइवान को शटअप कॉल दी कि आप स्किन कलर पे कैसे बात कर सकते हैं, आप तकसीम की डिवीजन की कैसे बात की? आपको नहीं लगता कि इंडिया अब यूरोप को और अंग्रेजों को तहजीब सिखा रहा है कि लिमिट्स क्या होती हैं, बात कैसे होती है? इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, उन्होंने अपना हक उठाया है, लेकिन जब इंडिया ने इनको ये बात की है तो हालांकि वो लोग बेचारे बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा सोशल मीडिया चलता है, वहाँ से ज़्यादा इंडिया को देखा जाता है, इंडिया का जो सिनेमा है, इंडिया के जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। यहाँ आप किसी भी लोग किसी से भी पूछ ले, इंडिया का हर एक्टर का उनको नाम पता होता है, हर एक्ट्रेस का नाम पता है, उनको अच्छे से पता है कि इंडिया से क्या हमारे लिए आएगा, क्या प्रॉफिट होना है, क्या नहीं होना, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था। इसीलिए फिर उन पर जो फोर्स आया है, जो प्रेशर आया है, हाई आया है, इसी वजह से बेचारे पीछे रह गए ना, इसी वजह से। तो बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि तमाम सूबे क्या एक दूसरे के कल्चर और जुबानों को इज्जत देते हैं? यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बलूचिस्तान से हूँ। अच्छा, आप बलोच हैं? जी, मैं खुद बलोच हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक एक्सेंट का फर्क आता है, अभी हमारी उर्दू थोड़ी सी अलग है, आपकी अलग है, एक्सेंट का खाली फर्क है और जुबानों का फर्क, बाकी कुछ नहीं है। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, कास्ट डजंट मैटर ओवर यहाँ, हम लोग अच्छे से बात भी कर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बस ये एक जुबान के टोन की वजह से एक दूसरे में अंदर गड़बड़ हो जाता है। वो किसी को छोटा समझते हो, किसी को बड़ा समझते हो, वो कहते हैं भाई पठान है, उसके अपने टोन में बात करते हैं, उस पर हंसते हैं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि हमारा मतलब कि मकसद ये नहीं था कि किसी को मतलब कि दिलदारी का रोक रहा हूँ। इस भाई ने देखिए कितनी सुलझी हुई बातें की हैं, बलूचिस्तान का था भाई हमारा, और रियलिटी बातें, लॉजिकल बातें, और जाते जाते उन्होंने कहा कि भाई सही बात है, आप किसी की भाषा पे, किसी की लैंग्वेज पे, किसी की टोन पे या कलर टोन पे आप कैसे किसी को नीचा दिखा सकते हो? हो सकता है वो आपसे कई गुना ज़्यादा समझदार हो सकता है वो कई गुना ज़्यादा नॉलेज रखता हो आपसे, आपसे कई गुना ज़्यादा वो हुनरमंद हो, लेकिन चूंकि उसका कलर सांवला है या उसकी उसकी जो लैंग्वेज है उसमें टोन थोड़ा अलग टोन है, वो आपकी टोन से बात नहीं करता, तो वो नीचा हो गया, या आप उसका मजाक उड़ाएंगे। ये चीज़ है, ये चीज़ हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी लोग टोन का मजाक उड़ाते हैं। मुझे याद है कि
जब मैं यहाँ पे दिल्ली में आया था तो हम बिहारियों के टोन से बड़ा लोग मजाक उड़ाते, आज भी उड़ाते हैं, लेकिन हम भी इग्नोर मार देते हैं, ठीक है यार हो गया आप करो उड़ाओ, लेकिन हमसे ज़्यादा जब जब मेरे अंदर टैलेंट है, आपके अंदर मेरे से कम टैलेंट है, आपके अंदर मेरे से कम दिमाग है, तो आप हमारा मजाक उड़ाते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, परफॉर्म करके कौन दिखा रहा है, हम दिखा रहे हैं जी, तो ये मायने रखता है। लेकिन उन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई दूसरी लैंग्वेज के होने की वजह से या उसके बोलने के अंदाज की वजह से या उसके स्किन कलर की वजह से या उसके छोटे होने मोटे होने लंबे होने उसकी वजह से अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हो तो बेसिकली वो आप उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हो, आप अपना खुद का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत संकीर्ण है, आप उस लेवल पर पहुंच ही नहीं सकते। करना हमने रंगे नस्ल पे बात नहीं थी करनी, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही था, बाद में अगर उन्होंने बात को चेंज कर लिया है तो वो तो सिर्फ कवर अप करने के लिए ना, कवर अप करने के लिए, लेकिन ये है कि अब देखिए ना ये चीज़ इंडिया में बड़ी अच्छी पाई जाती है, अब सारे टुगेदर हो गए हैं और बायकॉट कर रहे हैं, जैसे मालदीव का आपने बताया कि लोगों ने पहले भी किया, तो इसका ताइवान को नस्लों तक नुकसान होगा, जिस तरह इंडिया ने अपने आप को ग्रो कर लिया ऑलरेडी, तो नस्लों तक नुकसान होता बिल्कुल होगा, बड़ा बैड इम्पैक्ट जाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया इस टाइम आपने देखा होगा कि कोई भी हो, चाहे वो रूस है चाहे वो चाइना है जो भी है, इस टाइम सारे मतलब कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लोग हाथ में ला रहे हैं, जैसे सऊदी अरब देख लें एक इस्लामी मुल्क है, वो भी अब इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, वहाँ अबाया जो अबाया पहना जाता था वो भी ख़त्म किया जा रहा है, मतलब कि काफ़ी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्यों वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी फेथ डिसिप्लिन वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है, अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया, ये होती है यूनिटी, इसी तरह कौमें बनती हैं, यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकॉनमी देख ले उनकी हर जगह इंडिया मतलब के नंबर वन पे जा रहा है, यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा उनमें। सर अगर रेसिज्म की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली 1971 भी रेसिज्म की वजह से हुआ था कि जुल्फकार अली भुट्टो और यहाँ के जो क़यादत थी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी वाले कहते ओह काले हम पे हुकूमत करेंगे, कालों की इतनी जुरत, और यहाँ तक कि ऐसे भी किताबों में कोट किया गया कि हम तो कालों की नस्लें बदल देंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ जो आज ताइवान ने की इससे पाकिस्तान को भी माजी में बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है? बिल्कुल पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान पहुँचा है, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ कह देते हैं ये काले वो काले, ये हमारा क्या करेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे, मसला ये है कि अब देखें अब हम इस मार्केट में, इसी तरह एक और मार्केट है वहाँ पे मतलब कि बंगाली लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा कारोबार कर, यहाँ से वो गुजरते थे ना तो लोग कहते थे यार ये कारोबार करने हैं यहाँ पे, तो आज वो मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं जो यहाँ पे बंगाली लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मतलब कि उनको चाहिए, ताइवान को चाहिए था, अब तो फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम माजरत कर रहे हैं, ताज़ियत करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कर दिया उसका नुकसान तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे ताइवान नहीं, ऐसा मामला नहीं है, अंजाम भुगतना पड़ेगा, नहीं है, हम भारतीय इतने भी नहीं है, ऐसे नहीं है। देखिए मालदीव वाला मामला दूसरा था, मालदीव का जो मामला था ना वो दूसरा था, और ताइवान वाला मामला दूसरा है, ये दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। ताइवान का किसी ने बायकॉट नहीं किया है, उन्होंने उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफ़ी मांग ली, दैट इज़ खत्म। मोइज़ू ने तो माफ़ी नहीं मांगी, और मोइज़ू ने जानबूझ के किया था, ये ताइवान वाले का काम ये अनजाने में हो गया, ये इन बेचारों को आइडिया नहीं था, ये अनजाने में हो गया इनसे, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मोइज़ू का तो प्री प्लान था ना, ये है फर्क। और मोइज़ू को मालदीव्स को इसीलिए भुगतना पड़ेगा, अभी भुगतना तो कम पड़ा है, अभी तो और भुगतना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। ताइवान का मामला सेम नहीं, ताइवान का अलग मामला है, इसलिए ताइवान से कभी बायकॉट नहीं हुआ ताइवान का, आप देखते रहिए। ताइवान ने स्किन कलर के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किए, और आज ताइवान को जी इंडिया और पूरी दुनिया से माफ़ी मांगना पड़ी है, तो सर आप इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में क्या कहेंगे कि जब जब किसी ने भी इंडिया के जिसे बोलते हैं कल्चर, इंडिया के ज़ुबान, इंडिया के स्किन कलर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, इंडिया ने उसको इतना मजबूर कर दिया, इतना प्रेशर उसके ऊपर आया कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी और उस लेबर मिनिस्टर ने भी हाशिम मिंगशन ने भी आके माफ़ी मांगे कि इंडिया हमें माफ़ कर दो, हमारा मकसद ये नहीं था। देखें जब भी इंडिया के ऊपर किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की या नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव काम करने की कोशिश की, तो वो हमेशा जो है उसने या तो माफ़ी मांगी है या फिर उल्टे पांव चल के वो वापस चला गया है, ठीक है। क्योंकि देखें एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया और वो नियर टू सुपर पावर है, ठीक है। तो देखें एक कंट्री में जब बिल गेट्स और बड़े बड़े दुनिया की हस्तियाँ आएंगी और जब वो इतने बड़े बड़े कारनामे करेंगे तो हर किसी को उससे मतलब है,
और कभी भी जो है कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता नेगेटिव। जो इन्होंने की है तो वो उन्होंने भुगती भी है और वो उसकी सजा भी पा रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को एक तरह का उन्होंने लेसन भी दिया कि भाई इंडिया के खिलाफ कोई बात ना करे तो बेहतर है। किसी ने पॉजिटिविटी फैलानी है तो मोस्ट वेलकम, पीस के साथ आना है तो मोस्ट वेलकम। तो नहीं, ये पॉइंट नहीं कि आप हमारे खिलाफ नेगेटिविटी मत फैलाओ, आप हमारे खिलाफ झूठी बात मत करो। अगर बात लॉजिकल है, बात प्रूफ के साथ है तो बिल्कुल करिए, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठी बातें तो मत करो, फर्जी बातें तो मत करो हमारे लिए। सवाल इस बात का है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। थाईलैंड की WTO की मिनिस्टर थी, WTO में थी, उसने पंगे लिए हमसे गलत ग्राउंड्स पे और गलत चीजों पर। भारत ने तगड़ा प्रोटेस्ट जताया और थाईलैंड को अपना वो बंदा WTO ने भेज दिया वापस। बोला कि जी बिल्कुल ये बात सही है, आप ये ना आपने गलत बात बोला, और WTO की उस थाईलैंड की मिनिस्टर को भेजा वापस। तो ये होती है पावर। तो ये ही उन्हीं का जो है वो एक पैगाम है पूरी दुनिया को, जो उन्होंने साबित किया। मालदीव वालों ने भी जो किया वो उन्होंने वो देखें, इंडिया यकजा हो गया। इंडिया की आवाम बड़ी, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी आवाम को कि वो कैसे जो है वो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो यकजा होकर खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा। देखिए ये बात सिर्फ मोदी साहब पर लागू नहीं होती है, हम अपने देश के लिए खड़े होते हैं, हम किसी पॉलिटिशियन के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब से पहले जो कभी जो PM रहे हों और वहां पे कभी प्रॉब्लम आई है और हम एक साथ नहीं हुए, हम एक साथ हुए हैं। हम 65 की लड़ाई में एक साथ हुए हैं, हम कई मायनों में एक साथ हुए हैं, और ये शुरू से हमारा रहा है। अगर एक साथ नहीं होते तो हम आजादी कैसे मिलती हमें, आप ये सोचो ना। अगर भारत की आवाम उस समय एक साथ नहीं होती तो हम अंग्रेजों से आजादी कैसे लेते। तो एकता हमारे में बहुत पहले से है, एकजुटता हमारे में बहुत पहले से है। ये कहना है कि किसी लीडर की वजह से हम एक हुए हैं, जी नहीं, ये हमारे संस्कारों में है, ये हमारे धर्म में है। धर्म मतलब ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है ये, हम अपने देश के लिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है, हम सबसे पहले अपने देश को रखते हैं, इसीलिए हम एक हो जाते हैं फौरन। हमारे लिए हमारे देश से बड़ी कोई चीज नहीं है, रिलीजन भी नहीं है, आपके लिए है। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप पाकिस्तानी से पूछेंगे 100 में से 99 बोलेंगे कि हमारे लिए मजहब पहले है, देश बाद में, सेकंड नंबर पे आता है। आप 100 भारतीयों से पूछेंगे, उसमें से 99 बोलेंगे कि हमारे लिए देश पहले है, धर्म बाद में आता है। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लोगों का माइंडसेट। नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का, पूरी दुनिया इंप्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। और इस चीज़ से यही साबित होता है कि भाई इंडिया इस टाइम जो है वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जो है वो पावर बनने वाला है। वो वाली बात होगी ना बेटा, पंगा नोट चंगे वाली बात होगी। अच्छा ये भी चीज़ है कि जहाँ पर इज्जत और पैसे की बात आ जाए तो हमने इंडिया को हमेशा इज्जत को चुनता देखा है। जैसे मालदीव में बायकॉट किया, कैनेडा में उनके स्टूडेंट्स ने वीज़ाज कैंसिल करके वापस आ गए, मालदीव आज भी क्राइसिस में है, कैनेडा की भी पॉलिटिक्स आपको पता है डामाडोल कर रही है, ताइवान भी आज माफ़ी मांगने पर जी मजबूर हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो नस्लें हैं उनको कौन सा लेसन पढ़ाया जाता है कि जिसमें वो रंग नस्ल जात पात, इंडिया की 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का कल्चर अलग, लिबास अलग, जुबान अलग, खाने अलग, लेकिन इंडियंस सब एक हैं। देखिए इस चीज़ का क्रेडिट मैं मोदी साहब को दूंगा। अच्छा। और मैं इमरान खान साहब जो उनकी स्ट्रेटजी थी, दोनों की एक तरह की सेम थी, उन्होंने अपनी यूथ के ऊपर सब देखिए। ठीक है आप मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन मैं इस बात से अग्री नहीं करता। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मोदी जी ने राष्ट्रवाद को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन ये कहना है कि मोदी जी की वजह से पूरा देश एक हो जाता है, 28 राज्य हैं तो जी कल्चर अलग है सब अलग है, लेकिन मोदी जी की वजह से एक हो, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ मोदी जी चूंकि हमारे देश के PM हैं और उनकी ये पहली जिम्मेदारी बनती और उन्होंने उसे बखूबी निभाया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहले एक नहीं होते थे या पहले हम एक भारतीय नहीं थे, हम हमेशा से रहे हैं। और जो भी PM की कुर्सी पर बैठता है वो हमारा मुखिया है,
हमारा बड़ा है, बुजुर्ग है हमारा, वो हमारा नेता है, हमें उसकी बात माननी है, तो हम मोदी जी की बात मानते हैं, राष्ट्रवाद तो मानते हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले रहे उन्होंने राष्ट्रवाद नहीं सिखाया, या हम सिर्फ मोदी जी की वजह से ही एक हो गए हैं, नहीं ऐसा भी नहीं। हाँ, मोदी जी ने इस चीज को क्या कहूं मैं, तेज कर दिया, इसमें और मजबूती ला दी। ये बात मुझे लगता है कि सारे लोग मानेंगे कि जो राष्ट्रवाद थोड़ा कमजोर पड़ रहा था उसको इन्होंने मजबूत कर दिया, और बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसा मजबूत किया है कि पूछिए मत। लेकिन हम पहले भी एक थे, एक हैं, और आगे भी एक रहेंगे। ये हमारी कामयाबी का हमारा यही राज है। के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया उन्होंने, एजुकेशन दी उनको। आज उनके बच्चे बच्चे से जाके आप बात कर ले, अगला इंग्लिश में जवाब देता है, अगला चंद्रयान के बारे में बात करता है और ऐसी इंग्लिश बोलता है कि हम हैरान रह जाते हैं कि छोटा सा बच्चा ही, इसको किधर से इंग्लिश आ गई, क्योंकि हमारी एजुकेशन है ही नहीं। हमने अपने बच्चों को देखा हुआ यहाँ पे भीख मांगते हुए, यहाँ हमारे वो चीज नहीं है। ये इंटरनेशनली हर किसी को पता है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस नौबत पे लेके आए हैं, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है इसके ऊपर बात करने की। हमारा दिल दुखता है इस चीज़ को देखते हुए कि भाई इंडिया कहाँ पे पहुँच गया है, जबकि दोनों एक टाइम में आज़ाद हुए थे, हमें भी उनके साथ होना चाहिए था। यहाँ चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, इंडिया बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क ले चुका है, हम बिल्कुल ही अब ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, हम IMF से बात जा के थक गए हैं, और वहाँ पे देखें, वहाँ पे बिल गेट, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट जाके डोली वाले चाय वाले के पास, बिजनेसमैन है जी, और देखें डोली चाय वाले के पास जाके चाय पी रहे हैं। हाँ। मतलब कि क्या लेवल बन गया इंडिया के, कि एक बिजनेसमैन को उन्होंने लाके जो है वो उधर खड़ा कर दिया डोली चाय वाले के पास। हाँ, तो दिस इज द लेवल ऑफ इंडिया के, कहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं और कहाँ पे जो है वो इंडिया इस टाइम दुनिया को सबक दे रहा है। तो ये सारा मोदी साहब को है। देखिए, जब एजुकेशन दी जाती है तो एजुकेशन के साथ शौर आता है, जो कि इमरान खान भाई हमारे कहते हैं। हाँ। कि हमारे बच्चों को शौर चाहिए, और नबी पाक की भी बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी ज़िंदगी एक सबक है। तो उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन दी, उनके पास शौर है, उनको पता है कि हमारे मुल्क के ऊपर जब भी कोई बात करेगा हमने एक होकर खड़े होना है, ये एक फैमिली सिस्टम है, इसको जब भी कोई सिस्टम मसला पड़ेगा तो हमने एक होकर खड़े होना है, और मुकाबला करेंगे तो पूरी दुनिया के साथ जो है मुकाबला कर पाएंगे। और आज वो खड़े हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा के रख दिया। सही बात है सर, जब अंग्रेज बरसगीर में आए थे, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एक था, तो उन्होंने भी रेसिज्म की, उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत एक नहीं था, सिर्फ एक ही था भारत। बड़ी आसानी से ये बोल दिया जाता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। क्या तीन अलग अलग एंटिटी थी जो एक साथ जुड़ी हुई थी आपस में? नहीं, तब एक ही था भारत, सिर्फ और सिर्फ भारत। बाद में भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश। तो यह बोलना कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही थे, नहीं नहीं नहीं, एक नहीं थे, सिर्फ भारत था। जो हिंदुस्तानी लोग थे उन्होंने कहा कि इनको शऊर नहीं है, उनको गुलाम बनाया, इनके ऊपर हुकूमत की, और आज देखे वही इंडियन है जो उनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आज वही इंडियन है जो किसी बंदे को अलाउ नहीं करे कि आप हमारे स्किन कलर पे बात करें, आप हमारे कल्चर पे बात करें, आप हमारे, आप होते कौन है, आप होते कौन है? अगर इंडिया ने आपको बायकॉट किया तो पूरी दुनिया में कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा। बिल्कुल ऐसी जाहिर बात है कि जब एक मुल्क जब एक चीज के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर क्यों उसको कोई मुंह लगाएगा या क्यों उसके लिए कोई बात करेगा? ये तो एक बेसिक चीजें हैं। रेसिज्म तो कहीं जो है वो किसी भी दुनिया की कंट्री में नहीं करना चाहिए, ये एक पॉजिटिव चीज नहीं होती। एक इंटरनेशनली आपने एक मुल्क को चलाना होता है तो ये चीजें, पॉजिटिविटी जब आप अपनी कंट्री में लेके आएंगे तो आपकी कंट्री के लिए, आपके लोगों के लिए अच्छी चीज होती है। और जो कि उन्होंने किया, और वो आज देख लें माफी मांगने के उतर आए हैं, तो फिर देख लें मोदी साहब ने करवा लिया माफी। का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, सबका मजाक उड़ाया जाता है, ये तो सही बात नहीं है। आप उधर जाए उधर भी यही हरकतें होंगी, यहाँ यही हरकतें यहाँ पे भी होंगी। असल में यही है कि कल्चर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, इधर दिखाना चाहिए भाई ये हमारी मुल्क के कल्चर है। एक जगह के तो नहीं है कि आप उनको बोल रहे हैं भाई ये तो तुम लोग का अलग है, हम लोग का अलग है, आप लोग ये हो, हम लोग वो। तो ये चीज तो हमने इंडिया में देखी ना, जैसे उन्होंने स्किन ताइवान, उनके स्किन कलर पे बात की, तो उन्होंने इतना प्रेशर ताइवान पे डाला कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी माफी मांगी, और हाशु जो उनकी लेबर मिनिस्टर है उन्होंने भी माफी मांगी। तो सर वो यूनिटी दिखाते भी है और उनके अंदर यूनिटी भी है। अगर इनके ये बात तो सही है, यूनिटी है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम्स भी हैं। अब हमारे तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर हिंदी को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर तो मारपीट हो जाती है, लोगों को पीट दिया जाता है, ऐसी भी खबरें आई हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ जब देश की बात आती है तो आदमी एक साथ हो जाता है, मैक्सिमम आदमी एक साथ हो जाता है।
लेकिन ये प्रॉब्लम है। मुझे इस पर एक हमारे जो स्ट्रिंग चैनल वाले हैं, हमारे जो भाई हैं, बड़ा अच्छा अच्छे वीडियोस बनाते हैं स्ट्रिंग चैनल, आप लोग देखिएगा, जो लोग जानते हैं वो उनको पता है कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने बात कही कि वो बेसिकली साउथ इंडिया को कह रहे थे कि बोले कि आप कहते हैं आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप एक बात बताओ, नॉर्थ इंडिया में गुजरात की अपनी भाषा है, बिहार की अपनी भाषा है, बिहार में तो खैर कई भाषाएं हैं, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र कह रहा हूँ, महाराष्ट्र तो इधर हो गया, यूपी में अपनी भाषा है, हिमाचल में अपनी भाषा है, जम्मू कश्मीर में अपनी भाषा है, उधर बंगाल में अपनी भाषा है, अरुणाचल में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मेघालय में, सिक्किम में सब अलग भाषाएं हैं, इधर आपके राजस्थान में अलग भाषाएं हैं, दिल्ली में अलग भाषा है, पंजाब में अलग भाषा है, लेकिन सब में कॉमन क्या है, सब हिंदी बोलते और समझते हैं। मतलब कि अगर उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है तो उन सबकी अपनी अपनी भाषाएं भी हैं, लेकिन जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो हिंदी के जरिए आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, और ये बात सच है। साउथ में क्या है, साउथ में एक कोई कॉमन भाषा बताइए जिसके जरिए सारे आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लें, नहीं है, अंग्रेजी छोड़कर मैं कह रहा हूं जो भारत की भाषा हो, नहीं। ये बात उन्होंने कही और ये बात मुझे बड़ी जबरदस्त पावरफुल लगी कि यस, मैंने देखा कि कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्रा में तेलुगु है, केरल में मलयालम है, एक कॉमन लैंग्वेज कौन सी है कि तमिलनाडु वाला कर्नाटक वाले से बात कर ले, नहीं कर सकता, आंध्रा वाला केरल वाले से बात कर ले या तमिलनाडु से बात कर ले, नहीं कर सकता। तो आप देखिए, हम सबकी भी अपनी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन हमारी भाषाएं मर तो नहीं गई, हमने अगर हिंदी का इस्तेमाल किया तो, हम अपनी भाषाएं भी जानते हैं, हम अपनी भाषाओं में बात करते हैं, लेकिन हां हिंदी कॉमन लैंग्वेज है। तो आप लोग भी हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज की तरह रखिए, इससे आपकी तमिल भाषा मर नहीं जाएगी, या मलयालम मर नहीं जाएगी, या कन्नड़ा मर नहीं जाएगी, या तेलुगु भाषा मर नहीं जाएगी, वो तो आपकी अपनी है, उस पर आपको प्राउड होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए प्राउड। लेकिन अगर आप हिंदी में बोलना सीख लेंगे तो इससे आपके प्राउड में कोई कमी नहीं आ जाएगी, उससे फायदा होगा कि मैं अगर जाता हूं तो मैं थोड़ा अलग फील नहीं करूंगा, मुझे लगा कि यार मैं कैसे बात करूं, कैसे समझाऊं, मैं अपनी बात समझा सकता हूं आपको, वैसे ही आप भी अपनी बात मुझे समझा सकते हो। तो इसको एज ए कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए लैंग्वेज को, लेकिन लैंग्वेज को यहां पे पॉलिटिकली पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया जी साउथ में, नहीं जी हम तो नहीं करेंगे। तो उनकी बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी स्ट्रिंग वाले अपने भाई साहब की, अरे बहुत पॉइंट की बात है। जो लोग अगर तमिलनाडु से, आंध्रा से, केरल से, जो लोग हिंदी समझते हैं थोड़ा बहुत, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि इससे आपके रीजनल लैंग्वेज पे या रीजनल कल्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एड ऑन हो जाएंगी एक और चीज आप, जैसे हमारे में, मैं भोजपुरी बोलने वाला बंदा हूं लेकिन मुझे हिंदी आती है तो मैं कम्युनिकेट, अब भोजपुरी में आप बात करूंगा तो कोई नहीं समझेगा, जो मेरे वाला होगा वही समझेगा। तो अगर मैं इस बात पर अड़ जाऊं कि मुझे तो सिर्फ भोजपुरी में ही बात करनी है, मैं दूसरी भाषा में बात नहीं करूंगा, तब तो हो गया ना मेरा काम। तो यही चीज है। तो देखिए, प्रॉब्लम्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल ताइवान ने माफी मांगी और मांगनी चाहिए, जाने अनजाने उनसे भूल हो गई, गलती हो गई, उन्होंने माफी मांगी। ये फर्क है एक समझदार नेशन में और एक बेवकूफ नेता में, यही फर्क है जो मुइज हुए। ताइवान वालों को अपनी गलती समझ में आ गई, उन्होंने कहा कि भाई अरे फौरन माफी मांगी, अब सरकारी स्तर पर माफी मांगी, और ताइवान की इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रही है भारत में, चिप फैक्ट्री और ये सारी चीजें, उसके बाद भी उन्होंने माफी मांगी। वो ये धौंस भी दिखा सकते थे कि जी हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं भारत में, हम चिप प्रोडक्शन लेके जा रहे हैं, और ये हम पर कह रहे हैं कि माफी मांगो, माफी हम नहीं मांगते, ये भी कर सकते थे। लेकिन देखिए नहीं, उन्होंने सही को सही कहा, उन्होंने माना कि गलती हो गई, उन्होंने फौरन स्वीकार की और माफी मांग ली। तो यह होती है एक समझदार कौम का निशान होता है, और ताइवान वाले बहुत इस मामले में सही। तो जल्दी मिलता हूं, कमेंट जरूर करें एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। मैं एक चीज मैंने नोट की है, इंडिया के खिलाफ जो भी बोलता है ना, थूकता है फिर उसको चाटता भी है। बहुत केस देख चुका हूं, ये एक पहला केस नहीं है, इससे पहले भी एक केस देखे जिसने भी इंडिया के अंदर, जिसने
कोई बात की इंडिया के खिलाफ, फिर उसके बाद में रिवर्स किया। हाँ। ये तो गलत उसने बोला है ना। आपके अंदर इजहार ने सबसे पहले किया था, ये नेचुरली है भाई, है ना। आप मिसालें शुरू कर दो, बस नेचुरली है ना भाई, कि जो भी इंडिया के खिलाफ बोलता है फिर उसको सॉरी करनी पड़ती है, सॉरी करनी पड़ती है, नेचुरली है फिर कुदरती नहीं। पावर है, पावर। अब पावर कहां से यहां पे आ गई, पावर किस बात की है मुझे। तुम्हारा एक बंदा मुखालिफ बनता है, उसे कहते हैं यार ये बंदा सामने वाला तो ठीक था, गलती हुई, मैं गलती पर ऐश्वर्या राय को उसके बाद थूका, फिर चाटा, फिर पूरे मीडिया सोशल मीडिया में आकर सॉरी। वही नहीं चाटा उसने, ये लफ्ज बोला था तो मेरे बोलने का मतलब गलत निकाला गया है। उसने सॉरी की थी बकायदा, मेरे बोलने का मतलब नहीं बोला क्या था ये, नहीं वो हम नहीं बोलना चाहते, वो नहीं बोलना चाहते, गलत बोला। अफरीदी ने कश्मीर के ऊपर एक बार बात की थी 2018 में, किसने, अफरीदी, शायद अफरीदी ने कश्मीर के ऊपर एक बात की थी। अच्छा क्या बात, कश्मीर में जाके वो देखे इंडिया सबको पता है, तो फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा इंडिया की जो है ना खास मीडिया भी बोली थी और बीजेपी के मिनिस्टर भी बोले थे, और इतने तो मैं फिर नहीं किया सॉरी। एक बार टेंडुलकर के ऊपर इमरान बोले थे शुएब अख्तर, कि जब मैं बॉल कराता था ना टेंडुलकर की टांगे कांपती थी, तो उसके ऊपर इंडिया की मीडिया बहुत चीखी थी, शुएब अख्तर की सॉरी नहीं की। तू कह रहा है कि वो सब सॉरी करते हैं, उन्होंने तो सॉरी नहीं की, शुएब अख्तर की बात की है तो उसको तो भाई सभी मानते हैं कि वो सभी का मतलब कह लें कि अब बाप ना कह देना मुंह में तो वही आ रहा था, देखो मैंने बोलने वाले नहीं, यानी कि सीनियर जो है ना, सीनियर खिलाड़ी था वो, सभी उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा बॉलर था वो, उसके सामने बहुत मुश्किल से मैं बताऊं, वैसे वीडियो हट रहे हैं, जितनी पिटाई सहवाग और टेंडुलकर ने शुएब अख्तर की ना, शायद किसी ने की, ये ज़हन में रखना, ये सारी दुनिया के बॉलरों को होता है, कोई ये करता है, जितनी पिटाई सहवाग में देखे सहवाग और टेंडुलकर ने शुएब अख्तर की, और कितनी बार विकेट भी जो कीपर के पीछे चली जाती थी, किसकी बॉल पे, सहवाग की, झूठ मत बोलो, कीपर के पीछे नहीं जाता, झूठ मत बोलो, मतलब है कीपर के पीछे जाती, झूठ मत बोलो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये वही बात हो गई, आपने झूठ बोला है शुएब अख्तर ज़हन में कहा मेरी बात को गलत लेके, आप भी गलत लेके जा रहे, मतलब मेरा नहीं बनता है, कीपर के पीछे जाकर क्या, जिस तरह शुएब अख्तर के बॉल है तदर विकेट को घुमा घुमा के ऐसे अपने पले वाले ऐसे चलेगी, कभी बात पर वो भूल गए कितनी बार विकेट पड़ी, चाटो मत पल गई, कितनी बार तुमने कहा कीपर के पीछे, कीपर के पीछे, मतलब ये कि कितनी, मतलब कीपर के पास ही जाते हैं, बोला कीपर के पीछे, याद करो कितनी बार धोनी क्रिकेट हिस्ट्री देख रहा हूँ, बात करते हैं कीपर के कौन से, एक बॉलर बता जिसको कभी स्कोर नहीं लगे, सभी को लगता है यार आज भी दुनिया की तारीख में वसीम अकरम जैसा, दुनिया की तारीख दुनिया की तारीख में वसीम अकरम जैसा दुनिया में बॉलर नहीं आया। उसने कमेंट पास किए थे गलत, हाँ इंडियंस पे, उसने स्किन के मामले में बात की, चेहरे की शेप के बारे में बात की, तो वो उसने बिल्कुल गलत बोला है, किसी भी कह रहे हैं कि शक्ल पे या सूरत पे ऐसे बैड कमेंट नहीं करने चाहिए, वो क्या इंडियन अपने घर में बैठ के बनाते हैं अपनी स्किन या अपने जो कह रहे हैं चेहरा, ये बनाने वाले की फिर सॉरी किया, इस पे गलत ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और फिर उसने एक दफा बोला है और उसके बाद उसने चाट कर चाटा है, वही बात सारी गलत की है कि मतलब कि हम जैसी शक्ल, ये कोई रीजन तो नहीं है ना, कोई खास रीजन होनी चाहिए, खास रीजन। अच्छा पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, ये फोर्स लेकर आया गया, ऐसा हो सकता है कि उसको फोर्स ले कह सकते हैं, पाकिस्तान किस मिनिस्टर ने कहा है या किसी ऑफिशियल ने कहा, और यार पाकिस्तान आवाम की बात करो, आवाम की है तू गलत है, तेरी अकद क्या दे औकात बता, तू वोट किसको डाल के आया है, इमरान तो निकला किधर है, मेरे एक वोट से उसने बन जाना है, नहीं एक एक कचरे से निकाल बढ़ता है ना, हम चारों ने इमरान खान को, हम चारों में से किसी ने उनको वोट नहीं दिया, 12 करोड़ क्या तेरी हैसियत है तेरे वोट की, कोई भी आ सकता है, बात ही खत्म हो गई, मतलब वो फिर आवाम की बात, आवाम बेचारे को तो पता ही नहीं हमें क्या, दिन को रात को पेट्रोल का रेट क्या है जी, 100 रुपए है,
दिन को जी 200 रुपए बेचारी है, मां को पता नहीं तो फिर पंगे क्यों लेती, बोलती क्यों है कि फोर्स को भाई बेचारी कोई पंगे नहीं ले रही है। मीडिया वाले अपने व्यू बढ़ाने के लिए अपने से सवाल कर रहे हैं जी, जी बताओ कि आज इंडिया ने वो किया जी, इंडिया ने ये किया जी, इंडिया ने ऐसे कर दिया, इंडिया ने ऐसे कर दिया, ऐसी बातें कर दी तो फिर वो क्या करे। उन्होंने कुछ नहीं सर दे सर बताओ नहीं सर बताओ ना, इसको पता है जिस तरह मिनटे तरले करता था इसको नहीं पता। फैसलाबाद में इंटरव्यू लेने निकलता था जी, आज इंडिया ने वो किया, इंडिया ने ये किया, इससे तो पता होता था इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया कर, लेकिन आगे वाले को क्या पता। लेकिन कभी न्यूज तो उन्होंने सुनी लगे, जितनी देर मैंने काम किया ना, मैं ये हल्फन कह सकता हूँ, मैंने कभी भी किसी को पहले नहीं बताया था हमें ये बोलना है या ये बोलना है। मिनटें करनी पड़ती थी, नहीं पता आपके पास आ जाता हूँ, आप मैं कहता हूँ इंडिया में ये ब्रिज बन रहा है, आप इसके मतलब क्या राय रखते हैं, वो क्या तुझे जवाब देगा। जवाब उससे लोग जिसको मीडिया तौर जानता हो, इंडिया की सियासत को जानता हो, वो इससे पूछो, किसी पढ़े लिखे से पूछो, वो कभी भी गलत कमेंट इंडिया के बारे में नहीं। वो भाई वो जो मिनिस्टर थे ताइवान के, उन्होंने पहले बात की, उन्होंने सही किया था। अब सॉरी मैं ताइवान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता, इतनी बातें कर चुके हैं भैया, बात करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो उनके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। उनकी अपनी गवर्नमेंट अपनी आवाम है, चाहे इंडिया के साथ रहे या न रहे, उनकी अपनी मर्जी। हम कौन होते ताइवान को बढ़ा दिखाने वाले या महादीप को कुछ बता रहे हैं। चलो जी बात मुझसे ये कि ताइवान ने पहले थूका, फिर उसी थूक को चाटा, और ये पहले मतबा ने पहले मैं क्या चुका ताइवान ने थूक के चाटा। हाँ जी ताइवान ने ही बोला ना, ताइवान के मिनिस्टर सॉरी बोला है, आप सॉरी बोला मिनिस्टर ने, आप सॉरी बोला था, ऑफिशियल मिनिस्टर उसका नाम है भाई, ऑफिशियल की तरफ से आया है, वो कह रहा उनकी ये चलो ताइवान इंडिया का दोस्त है। शानदार थी वीडियो, मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ, अब तक मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।